अगर आप भी अपने फर बेबी के लिए डॉग बेड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बनाते हैं डॉग बेड। हमारा बेबी डॉग है मीडियम ब्रीड का, तो हमने लिया है 2 मीटर कॉटन फैब्रिक जिसको हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब हम लेंगे पेपर जिसको हम फोल्ड करके यू शेप में कट कर लेंगे। अब लेंगे फैब्रिक का सेंटर पॉइंट और पेपर का सेंटर पॉइंट मार्क करके पेपर को फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। अब हमें मार्क कर लेना है किस तरीके से। ये मार्क हो चुका है लेकिन वीडियो में दिख नहीं रहा है। अब 9 इंचेस के डिस्टेंस पर सेम शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने मार्क कर लिया है, अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अभी तक तो आजू बाजू खेल रहा था, अब ये बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा है। इसको समझ में आ गया किसी के लिए बन रहा है, ये मस्ती कर रहा है बीच में, बहुत ज़्यादा मस्ती खो रहे लेकिन बहुत प्यारा है मालूम। तो अब हमको मार्क कर लेना है 3 जगह पर, पहला ये, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर जिसमें हमें सिलाई नहीं करनी है। अब कॉर्नर पूरा सिल लेंगे। ये देखिए हमें जगह गैप छोड़ा था, छोटा है, और ये हमको कट कर लेना है जहाँ पर हमें गोलाई आएगी, क्योंकि जब भी आप गला भी सिलते हैं तो भी आप वैसे कट करते हैं, तो कट कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। हमने लिया है फर फैब्रिक जिसको हम सेम शेप में कट करेंगे। अगर आपका फर फैब्रिक लूज है तो आप सेम शेप में कट करिएगा। अगर आपका फैब्रिक ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा ये कॉटन फैब्रिक से बड़ा कट करिए। अब हम लगा लेंगे चेन। देखिए हमने जो एक फैब्रिक लिया है फर फैब्रिक, जिसका हम दोनों सीधा साइड चेन का फैब्रिक का सीधा साइड रख के सिल लेंगे चेन को। ये देखिए हमने सिल लिया है। अब हम लेंगे पाइपिंग जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, पाइपिंग वाली लेस है ये। हम चेन के सिलाई पर रखकर पाइपिंग को अंदर साइड रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और दूसरे फैब्रिक को रखकर कच्चा सिल लेंगे सुई से। अगर आप डायरेक्ट मशीन सिलना चाहें सिल सकते हैं, लेकिन वो उसको सिलाई बिगड़े ना, इसलिए हम हाथ से कच्चा सिलाई कर लेंगे। ये देखिए चेन के पास से भी हमने सिल लिया है। देखिए कच्चा पूरा सिल लिया अच्छे से। इससे हम सिलाई करेंगे इजी पड़ेगा, हमें कोई कपड़ा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अब हमको सिलना ही सिलना रह गया है। ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है, कच्ची सिलाई को हम निकाल लेंगे और ये बन गया हमारा फर बेड। तो कॉटन फैब्रिक के जो हमने सबसे फर्स्ट मार्क किया था, अब हमें वो सिलना है और बीच का गैप छोड़ देना है। देखिए ऐसा। अब हम इनको कॉटन फिल कर देंगे। हमें अच्छे से कॉटन फिल करना है, इवनली फिल करना है, और ये जो गैप हमने छोड़ा था उसको हाथ से लेंगे। अब आउटसाइड में कॉटन फिल करना है, इस पर भी इवन जरूर रखिएगा, रुई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दोनों साइड से हाथ से सिल लेंगे। देखिए हम सिल लिया है, हमारा बेड बन चुका है। अब हम फर फैब्रिक जो हमने आउटसाइड था, आउटसाइड कवर था, उसमें इसको फिल कर देंगे। ये देखिए हमारे लोगों को, मुझे लग रहा है पसंद आ रहा है, ये बन गया हमारा बेड। आई होप माई लोग लाइक इट, और मुझे लग रहा है माई लोग अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम में जब बन रहा था तभी बहुत इंजॉय कर रहा था उसको। मुझे लग रहा है माई लोग ने एक्सेप्ट कर लिया इसके बेड को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो करिए लाइक और शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।